बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। मैं मलिक इमरान खीर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ बरतानिया। आज बहुत ही तकलीफ दे बात है और मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है उसके लिए भी उतनी ही तकलीफ आ जाए जितनी मैं फील कर रहा हूं। आपको पता है कि करप्ट वजीर आजम पाकिस्तान जो कि इम्पोर्टेड वजीर आजम है, वो लंदन से एक और इश्तियारी को अपने साथ पाकिस्तान लेकर जा रहा है। क्यों लेकर जा रहा है कि खजाने में जो कुछ बाकी है वो किस तरह निकाला जा सके। ये किस तरह मुमकिन है कि एक इश्तियारी जो कि पाकिस्तान जा रहा है उसको बजाय गिरफ्तार करने के उससे हलफ लिया जाएगा और उसको वजीर खजाना बना दिया जाएगा। मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्म का दिन है और बहुत ही अफसोस का दिन है। मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे अदारे खुद ये समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। चोर बाजारी चल रही है, जो इश्तियारी हैं, जो करप्ट है, वही एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ पे जाएं, हमारे अदारे कुछ करें। हमारी अपील है अपने बहुत ही मोजज अदारों से कि इस वक्त हर पाकिस्तानी की नजरें आपकी तरफ है। हम इंसाफ चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी अदलिया से और अपने आला अदारे जो है हमारी पाक फौज है उनसे कि प्लीज इस वक्त आपका जो नजरें हैं पाकिस्तान पे जिन लोगों की, उनकी तरफ देखें और मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करें। एक आप ही हैं जो इस वक्त मुल्क को इन जालमों से, इन चोरों से, इन इश्तियारियों से बचा सकते हैं। प्लीज अपनी कौम का साथ दें, अपने मुल्क को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।